नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं फिर एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ। ये गांव का ही ब्लॉग है और ये हमारे जो नंद के यहाँ हम लोग गए थे तो वहीं का ये पूरा ब्लॉग है। तो ये देखिए दुल्हा राजा है, ये मेरे लगेंगे भांजे और कहते हैं तो ये लगेंगे हमारे भांजे। और देखिए अब ये जा रहे हैं अपनी दुल्हन लेने के लिए। तो यहाँ पर ये हो रहे हैं तैयार। तो नीचे देखिए जो पीढ़ा है उसी पे खड़े होके मतलब तैयार होना होता है। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और धीरे धीरे गांव की सभी महिलाएं एक साथ जुट रही हैं। मैंने उस तरफ नहीं दिखाया, वहाँ काफ़ी औरतें बैठी हुई थी। और यहाँ पर देखिए ये न्यौछावर दिया जाता है दूल्हे को वार के, और ये दूल्हे की बुआ हैं उनकी ही मतलब आंचल में पैसे रख दिए जाते हैं, तो इसको न्यौछावर कहते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी महिलाएं थी, अभी काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पर, सब धीरे धीरे दूल्हे को न्यौछावर करके और कहते पैसा बुआ के गोद में डाल देंगी। और यहाँ पर देखिए हमारी नंद जी लेके आई हैं जूता, तो दूल्हे राजा पहन रहे हैं जूता। और वीडियो में आप लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग हमारे पुराने हैं और चैनल पर बने हुए हैं उनके लिए हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। आप लोगों के प्यार से ही हौसला बढ़ रहा है और मैं नई नई वीडियो लेके आ रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ हो गई है, काफ़ी भीड़ हो गई थी। मैं सही से दिखा नहीं पाई उस तरफ क्योंकि मैं काफ़ी अंदर खड़ी थी, तो बस इतना ही इतने ही दूर का मैं सूट ले पा रही थी। तो ये देखिए ये मेरी देवरानी थी और हम दूल्हा राजा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और जो लड़का मतलब दूल्हा है उसका नाम है अनुराग, तो मैं कहूँगी अनुराग क्योंकि दूल्हा दूल्हा कहना बार बार अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारे अनुराग हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और यहाँ पर देखिए भूमि और मैं कुछ बात कर रहे हैं, अनुराग सामने खड़े थे तो उन्हीं के बारे में हम लोग कुछ बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए अनुराग बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और नए दंपति को आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दें कि इनके जीवन में हमेशा खुशी बनी रहे और दोनों का साथ हमेशा बरकरार रहे। भगवान इनके घर में सुख संपत्ति सब कुछ प्रदान करें दोनों के जीवन में हमेशा। तो नए जोड़े को आप लोग खूब आशीर्वाद दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं दुल्हन को भी दिखाऊंगी। इस वीडियो में आप दूल्हे से मिल लीजिए और अगली वीडियो में मैं दुल्हन का भी फेस आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सब मतलब दुल्हन लाने के लिए जा रहे हैं, मतलब विदा हो रहे हैं यहाँ से, दुल्हन लेके आएंगे वहाँ से। तो ये देखिए बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब मोटरसाइकिल भी गई थी, ज़्यादा दूर की बारात नहीं थी, पास की ही थी, लोकल बारात थी, तो कोई वो नहीं था। और ये गौना है, मतलब ये शादी नहीं हो रही है, ये गौने की वीडियो है, गौना हो रहा है। तो शादी के मतलब कुछ दिन बाद दुल्हन को लेके आया जाता है, उसको हमारे यहाँ गौना कहा जाता है। जो इधर से होंगे वो लोग समझ रहे होंगे जो मैं कह रही हूँ। बहुत से लोग गौने के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत जगह नहीं होता है गौने का रिवाज, तो यहाँ पर गौने का रिवाज है। तो देखिए कितनी महिलाएं सब जुट गई हैं और बहुत लोग देखिए टॉफ़ी उछाल रहे हैं। और ये जो मेरी नंद है उनकी जिठानी की ये बहू है, तो देख लीजिए ये बहू भी बहुत प्यारी है और बहुत सुंदर है। तो इसी तरीके से हमारी दीदी के घर भी एक बहू आने वाली है, तो अगली वीडियो में मैं उस बहू से भी आपको मिलवाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए जा रहे हैं सब लोग, चले गए हैं, अब ये औरतें घर में बचेंगी। तो ये सब नाचना गाना यही सब देखिए यहाँ पर इसी तरीके से नाचना गाना। ये 10, 10:30, 11 बजे की वीडियो है जब ये सब लोग दुल्हन लेने गए हैं, और शाम को 6, 6:30 बजे तक इसी तरीके से नॉन स्टॉप नाच गाना चलता रहा है। यहाँ इस गांव में नाचने गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ सबको है, बहुत एक से एक गाना नाच सब तरीके का यहाँ पर। तो गांव में तो ये सब देसी तरीका है, इसी तरीके से गांव देहात में शादी होती है। मम्मा इधर आ रहे Yeah।
भांजे भतीजे सब लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग कहोगे बच्चा तुम लोग हाँ। क्या कहोगे जोर से बोलो जोर से हाँ बच्चों की बात सुने। मेरे बच्चे कह रहे हैं वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तो ऐसे सब लोग ऐसे कर दो भाई सब लोग बच्चों के कहने से सब लोग वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और किसी को कुछ आता है कोई कुछ कहेगा जाता है आता है तो चलो एक मिनट रानी है जीवन उसका पानी है हाथ का जाएगी बानी करो वेरी गुड देखा भाई बच्चे गांव में रहते